स्टार्ट महाशक्तियों के बीच चल रही वर्चस्व की होड़ में क्षेत्रीय संतुलन को साधना बेहद जरूरी हो चला है। इस होड़ में अमेरिका और चीन अपने अपने तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच ताजा सीमा विवाद को इस संदर्भ में भी जोड़कर देखा जा रहा है। पाक स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता का ट्वीट महत्वपूर्ण है। प्रवक्ता का मानना है कि पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के नक्शे को बदलने तथा अनुच्छेद 370 खत्म करने के कारण चीन भारत से नाराज है। बीते 2 दशकों में दक्षिण एशिया के राजनीतिक एवं कूटनीतिक हालात तेजी से बदले हैं। एक जमाने में रूस के साथ खड़ा रहने वाला भारत आज अमेरिका के नज़दीक नज़र आ रहा है, तो उस दौर में अमेरिका का दामन थामने वाला पाकिस्तान चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। चीनी प्रवक्ता का दावा भले ही उनका व्यक्तिगत मत रहा हो, लेकिन चीनी सेना से जुड़े थिंक टैंक का हवाला देकर प्रवक्ता ने जो बात साझा की है उसमें दम नज़र आता है। अमेरिका पर आतंकवादी हमले के बाद से आतंकवाद की लड़ाई में दुनिया में 2 नए खेमे बने हैं। एक की अगुवाई अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका विरोधी देशों का नेतृत्व चीन संभाल रहा है। पाकिस्तान बेशक अमेरिका को नाराज ना करना चाहता हो, लेकिन भारत से मुकाबले के लिए मजबूरी में वह चीन की तरफ झुक रहा है। चीन समझता है कि जम्मू कश्मीर नक्शे में बदलाव और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत अब पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर सकता है। भारत इसमें कामयाब हुआ तो आतंकवादियों के सहारे छद युद्ध छेड़ने वाले पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। ऐसा हुआ तो भारत और मजबूत होकर उभरेगा। चीन को ये मंजूर नहीं। जम्मू कश्मीर के नक्शे को बदलते समय भी चीन ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक करते हुए भारत को चेताया था। इसके बाद से चीन अपनी सीमा के भीतर सैनिकों का जमावड़ा लगाने लगा ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। चीन इस समय अनेक मोर्चों पर उलझा हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ उसके पड़ोसी देश भी उसे आंखें दिखा रहे हैं। विस्तारवादी नीति चीन का हिस्सा रही है। कोरोना महामारी के कहर में चीन को लगता है कि वह भारत को घेर सकता है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हवा देकर चीन पाकिस्तान की भी सहानुभूति लेना चाहता है। उसके पाकिस्तान के साथ आर्थिक हित जुड़े हैं। नेपाल की तरफ से भारत को उकसाने वाली कार्रवाई के पीछे
चीन भी पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना है। चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसे में चीन प्रवक्ता के दावे में सच्चाई हो सकती है और भारत को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। दुनिया में हो रही खेमेबंदी से दूर रहकर भारत को अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ एशिया और दुनिया भर में हो रही उथल पुथल पर भी भारत को चौकन्ना रहना होगा। चीन और पाकिस्तान का इतिहास हमसे छिपा नहीं है।